गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 10, लाइट एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन भी हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया, लेंस फार्मूला भी हो गया और मिरर फार्मूला भी हो गया। आज हम बनाएंगे बेटा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के। किसके बेटा? एक्सरसाइज के। हमारे कुछ एक टॉपिक बचा हुआ पावर ऑफ लेंस, हम ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ लेंगे। आज हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी कल जब हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल्स देखा था, इसलिए वो चीज़ें कंटिन्यूस बनी रहे, इसलिए आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। एग्जांपल के न्यूमेरिकल्स हम बना चुके हैं, आज हम बनाएंगे बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 186। सभी लोग पेज नंबर 186 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद हम इसको बेटा बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सबके पास बुक है, पढ़ूं मैं? ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। हमें बताना है कि कन्वर्जिंग लेंस में रे डायग्राम कैसे बनता है। उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ हमें यूनिट्स दिए हुए हैं, उस यूनिट्स का हम यूज़ करके रे डायग्राम भी बनाएंगे और इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी करना है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे एक हाथ चीज़ नहीं दी होगी, उसे हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट होने के बाद ही हमारा क्या बन सकता है बेटा? अच्छे से रे डायग्राम बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम स्टार्ट करते बेटा। कन्वर्जिंग लेंस, देखो बेटा कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, और जो कन्वर्जिंग लेंस रहता है वो रहता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गया बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका हो गया बेटा ऑप्टिक सेंटर। सेम डिस्टेंस पे F1, सेम में बेटा 2F1, यहां से हम यहां लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा F2, और ये हो जाएगा बेटा सेम डिस्टेंस पे 2F2। ये हमारा। अब क्या क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर लेंथ इन द 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ रखा हुआ है। वो और F1 के बीच में तो नहीं है, बिटवीन 2F1 एंड F1 के तो बीच में नहीं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। सबसे पहली हमारी कोशिश होगी कि हम ढूंढेंगे कि फोकल लेंथ कितनी है। यहाँ उन्होंने फोकल लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये फोकल लेंथ ये है बेटा 10 सेंटीमीटर। हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर F1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स इन्हें 2F10 का डबल, तो ये 20, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है बेटा 20 सेंटीमीटर होगी। पर हमें तो बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है बेटा 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बियॉन्ड द 2F1। रे डायग्राम में कुछ याद आ रहा है? बियॉन्ड द 2F1। तो ये हमारा हो गया बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। इसको हम U बोल देंगे और इसको हम बोल देंगे बेटा F, स्मॉल F। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम क्या रहता है बेटा? पहली रेज हमेशा पैरेलल रहती है, जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है। ये हमारा पहला रूल्स हो गया। ठीक है, दूसरी रेज जो ऑप्टिक सेंटर से होकर जाएगी वो विदाउट डेविएशन वो क्या हो जाएगी बेटा? सीधे निकल जाएगी। ये रूल्स नंबर 2। तो यहां कहीं क्या बन रहा है बेटा? इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये जो हो गया बेटा ए डैश बी डैश। अब हम पता लगाते हैं कि क्या हमारा ये पोजीशन सही है, क्या हमारी पोजीशन ये क्या बेटा सही है। तो हम स्टार्ट करें बेटा। स्टार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन। क्या लिखेंगे बेटा? ये आपका रे डायग्राम बन गया गिवन। गिवन में
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से शो करेंगे और यहां लिखेंगे बेटा 25, पर ये माइनस 25 होगा, कितना होगा बेटा माइनस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी से शो करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, हो गया। फिर थर्ड है बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहां तक समझ में आ गया बेटा, फोकल लेंथ है बेटा, इसको एफ से शो करेंगे और ये हो जाएगी है हमारी बेटा 10 सेंटीमीटर। ये दो चीजें, अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा अथर्व, नहीं बन रहा है यश, यस ये पॉजिटिव होगा क्योंकि जो हमारा फोकस आ रहा है, जो प्रिंसिपल फोकस आ रहा है वो राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड था इसलिए माइनस किया हमने यू को और इसको हमने क्या कर दिया बेटा पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गया। आप एक और चीज दी बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या दिए बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम जनरली एच ओ से शो करते हैं और ये दिया हुआ बेटा हमें 5 सेंटीमीटर, कितना बेटा 5, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा पॉजिटिव, क्या बोलते हैं बेटा पॉजिटिव, और जो इसका इमेज बनने वाला है वो निगेटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे पास थी, ये चीज़ गिवन थी, अब हमको ढूंढना है पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f, 1/f, 1/v फाइंड आउट करना है और देखिए बेटा ये माइनस वैल्यू, इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया और माइनस लिख दिया यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा समझ में, ठीक है आपको आगे बेटा आगे बढ़े, ठीक है तो यहाँ तक आपका आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, यस हमें v फाइंड करना है और v फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांसपोजिशन करना होगा, तो हमने ट्रांसपोजिशन किए बेटा 1/10 ये प्लस आकर यहाँ क्या हो गया बेटा माइनस हो गया और ये हो गया बेटा 1/v, 10 और 25 का क्या हो गया बेटा 50 LCM हो गया, कितना हो गया बेटा 50 LCM हो गया, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ आ गया बेटा 2, तो ये हो गया बेटा 1/v, ये हो गया बेटा 3/50 इज इक्वल टू 1/v। हमें डिस्टेंस v का चाहिए कि 1/v का चाहिए बेटा जल्दी बताइए, हाँ हमें चाहिए बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है v का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए बेटा, तो v इधर आ गया तो ये 3v हो गया, ये 50 हो गया और v की वैल्यू निकालना है तो ये इसका ट्रांसपोजिशन हो गया, तो ये हो गया 50/3 और 16.66 अप्रॉक्स में आ जाएगा, तो आप 16.66 सेंटीमीटर लिख लीजिए। क्या सही है, क्या ये सही है, अब कैसे पता लगाएंगे हम, तो देखिए बेटा 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा मतलब बियॉन्ड द 2fi, क्या है बेटा बियॉन्ड द 2fi, इसलिए मैंने बोला था आप रे डायग्राम को अच्छे से सीख लीजिए, रे डायग्राम सीखेंगे तभी आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक्चुअली में क्या ये सही है। देखिए F1 10 सेंटीमीटर है तो 2F1 कितना हो गया बेटा 20 हो गया 20, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका जस्ट ये डबल होता ना, तो ये 10 प्लस 10 तो 20 हो गया, तो देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ 2F2 तक कितनी बेटा 20 है और हमारा इमेज क्या F2 बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में बन रहा था, तो हमारा ये जो आंसर है क्योंकि ये बेटा 20 से कम है 16.66, तो ये हमारा आंसर सही, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बेटा फर्स्ट आंसर डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ द लेंस
16.66 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ गया। पर हमें एक और चीज़ बतानी है, हमें ये बताना है इन्होंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटे देखिए यहाँ पर आपका यू भी है, वी भी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? सबको आ गया? देख लो एक बार। आ गया? ठीक है, मैं क्लीन करूं यहाँ से। ये बेटा इसका रे डायग्राम है, ध्यान से देखिए। तो मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। देखिए मैग्निफिकेशन का यहाँ हमने लिख दिया, वी नो दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू, पॉजिटिव आता है। और मिरर के मैग्नीफिकेशन में क्या होता है बेटा? माइनस वी होता है। पर लेंस के मैग्नीफिकेशन में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव वी होता है। तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे इसमें दिया हुआ है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हो बेटा, ध्यान से बताइए, 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। एच आई इज इक्वल टू सॉरी अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी। अभी फाइंड किए, अब ये मत लेना, 50/3 ले लेना बेटा, 50/3 यू पॉजिटिव की माइनस, यस माइनस ट्वेंटी फाइव। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आगे बेटा समझ में। अब क्या हो सकता है बेटा? एच अपॉन 50/3 × −25। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये 3 के साथ आ जाएगा, ये क्या बेटा? 2 टाइम्स इसका सॉल्यूशन। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 5 − 2/3 −2/3। तो ये हो गया बेटा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 × 2 − 3। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10/3। तो हाइट ऑफ इमेज 3.33 सेंटीमीटर। पर ये किस में आएगी बेटा? माइनस में। किस में आएगी बेटा? माइनस में। क्या हमारा ये आंसर सही है? देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द 2f1 रखते हैं तो जो साइज ऑफ इमेज है वो हमेशा छोटा बनता है बेटा, किसके कंपैरिजन में? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। किसके बेटा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और साइज ऑफ इमेज कितना बेटा? माइनस थ्री पॉइंट थ्री थ्री। तो ये 5 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है? हमको ये मालूम है कि ये 3.33 जो होता है वो 5 से कम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे बेटा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3.33 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये क्या बेटा, हमने यहाँ शो कर दिया है कि जो इमेज है वो उल्टा बना है। किसके बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है। तो ये पर जब हाई साइज लिखने जाएंगे तो साइज में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, वहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो ये हो गया बेटा साइज ऑफ इमेज। क्या हो गया बेटा? साइज ऑफ इमेज। नेचर होगा बेटा रियल एंड इन वर्टेड। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए। हमने वी भी फाइंड कर लिया, हमने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लिया और हमने तीसरा इसका नेचर भी फाइंड कर लिया। अच्छे से समझ लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले। ये आपका था बेटा पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 10। पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
कॉनकेव लेंस, देखिए यहां बात हो गई कॉनकेव लेंस की, अ कॉनकेव, चलिए ये हमारा हो गया बेटा कॉनकेव, ये हो गया F1, 2F1, F2 एंड 2F, ठीक है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इमेज 10 सेंटीमीटर, देखिए यहां से यहां तक का 15 सेंटीमीटर है बेटा, ये जो फोकल लेंथ है ये यहां से यहां तक ना ऑप्टिक सेंटर से लेके ये जो इसका डिस्टेंस है ये बेटा 15 सेंटीमीटर है, कितना बेटा 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर में बन रही है, कितने सेंटीमीटर में बन रही है बेटा 10 सेंटीमीटर में बन रही है, तो हमें बताना है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, देखिए इन्होंने फोकल लेंथ दे दी है, यहां हम लिख लेते पहले गिवन द फोकल लेंथ एफ से शो करते हैं और वो दिया हो बेटा अब लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्या माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये भी लेफ्ट हैंड, देखिए बेटा हमेशा याद ना रे डायग्राम में कॉनकेव लेंस जब होता है तो कॉनकेव लेंस में मैंने दोनों रे डायग्राम बताए थे और दोनों रे डायग्राम कहां बन रहे थे बेटा, उसके इमेजेस कहां बन रहे थे जल्दी बताइए, वो इमेजेस बन रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, जब यहां पार हो गए तो वो एक दूसरे को रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहां हम अपीयर करते हैं, हमारा एक परसेप्शन रहता है कि शायद ये दो रे यहां से कहीं से आ रही है, जैसी प्लेन मिरर में होता है उसमें भी क्या होता है बेटा वर्चुअल इमेज बनता है, क्या बनता है बेटा वर्चुअल, तो आप देखिए कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ये भी क्या होगा यस माइनस 10 सेंटीमीटर, यहां तक समझ में आ गया, माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस का भी जो इमेज बनता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनता है, क्या फाइंड करना जल्दी से बताइए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम यू से शो करते हैं, ये हो गया बेटा क्वेश्चन, यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, चलिए यूजिंग लेंस फॉर्मूला अच्छे से देखिए, हाँ बहुत इजी है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन यू, समझ में आ गया, देखिए u माइनस में आना चाहिए तभी करेक्ट होगा, u माइनस में आएगा तभी तो हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ बेटा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक हो गया आपका, चलिए ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, इसको मैंने इस तरफ ले आया 1 अपॉन u हो गया, माइनस का क्या प्लस हो गया 1 अपॉन माइनस 10, ये माइनस जाके क्या हो गया बेटा 1 अपॉन 50, समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिए इसका ट्रांसपोजिशन किया तो ये माइनस साइन चेंज होकर क्या हो गया बेटा पॉजिटिव हो गया, इसका मैंने क्या किया बेटा ट्रांसपोजिशन राइट हैंड साइड में किया, ये माइनस साइन जाके क्या हो गया बेटा पॉजिटिव हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे समझ में, अब 1 अपॉन यू एलसीएम बताइए बेटा 10 और 15 का, यह सबसे लिस्ट हो जाएगा बेटा 30, ये आपका 30 आ गया 30 माइनस 3, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है प्लस 2, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 30, तो यहां से क्या हो गया बेटा शिफ्ट हो गया तो u इज इक्वल टू आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर, क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है, हाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है कि जब भी हम 2f1 देखिए बेटा यहां फोकल लेंथ कितना बेटा माइनस 15 दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां दिया बेटा 10 सेंटीमीटर, आपका u कितना है बेटा माइनस 30, माइनस आया इसका मतलब क्या हो गया बेटा ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ बेटा लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए क्योंकि फिर मैं यहां से क्लीन करूंगा और मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इसका आंसर कैसा लिखा जाता है, यहां तक देख लीजिए, देखिए क्या क्या किया हमने,
देख लिया बेटा, अब देखिए -13। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करने वाले हैं? फोकल लेंथ 50। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। इमेज यही कहीं बन रहा है 10 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर यही कहीं बन रहा है। और आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? 30। 15 + 15 यानी ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है बेटा 2F1 at 2F1 AB। देखिए रेड डायग्राम, देखिए आया 30, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15। 15 का जस्ट डबल क्या होता है बेटा? 30। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से एक रेज गई, ये डाइवर्ट हो गई, और दूसरी रेज ये ऑप्टिक सेंटर से होकर चलेगी। तो हमने जब इसको पीछे ऐसा बढ़ाया तो यहां कहीं ये क्या बन गया बेटा? इमेज। क्या बन गया बेटा? इमेज। इसको हमने नाम दे दिया A-B-A-B-A। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट ए बी था, इसको मैं ऐसा कर देता, ऑब्जेक्ट ए बी था, इसका जो इमेज बना वो A-B-A बिटवीन O and F1। तो हम लिखेंगे बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये रे डायग्राम बताना था और इसका डिस्टेंस बताना था, और कुछ बताना तो नहीं था बेटा इसमें? नहीं, और कुछ भी नहीं बताना था, ये दो चीज़ बतानी थी। यहाँ आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आज हम दो ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ना, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए।